साइबर से रिलेटेड और भी बातें इन लोगों ने बताई होंगी, छोटी छोटी चीजें बताई होंगी। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं कि कैसे हम इस ट्रैप में फंसते हैं और कैसे इमोशनली हम उससे जुड़ जाते हैं। मैं जॉब में आ गया था, पुलिस में था, मैं कई जगह इस चीज को बोला हूं और एक ट्रेन में बैठे हुए एक बच्चे की फोटो थी, उसके साथ एक और पुलिस वाला भी बैठा था, एक महिला भी थी, और उस फोटो के नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था ग्रुप में कि ये बच्चा कौसानी रेलवे स्टेशन पर मिला है, कोई इसके बारे में जानता हो तो सूचना दे, और ऐसे कई ग्रुपों में इसको शेयर करें जिससे कि जल्द से जल्द ये बच्चा अपने घर पहुंचे। जैसे मैंने देखा मेरे इमोशंस जाते बताओ, यार बच्चा कौसानी रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ है, हम भी 15-20 ग्रुप में हम भी जुड़े हुए थे, हमने कहा सारे ग्रुप में डाल दो और जितने लोग हैं सब में डाल दो इसको। बस मैं कौसानी रेलवे स्टेशन का बस अड्डा भी नहीं है वहां का, वो मेरा दिन था, वो मैंने समझा। मतलब 5 सेकंड और अगर मैं अपने दिमाग को छोड़ देता तो मैं ग्रुप में डाल देता। वो मेरा दिन था और उस दिन के बाद से आज तक कोई भी मैसेज, अब पुलिस वाले आते हैं वो जरूर मैं ग्रुप में डालता हूं कि यहां घटना हो गई, ऐसे हो गया, अपनी भी सूचनाएं डालता हूं, लेकिन कोई भी फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज मैं ग्रुप में नहीं डालता। ये बेवकूफ बना, ये तो एक ऐसी चीज है जो मैं बताया, मैं समझा, ऐसी कई चीजें होंगी आपके यहां भी आ रही है, आपने भी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिया फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, होली दीपावली के मैसेज भेजते हैं आप लोग, वो जो मैसेज एक बहुत बढ़िया लगा उसी को कॉपी पोस्ट पेस्ट करके भेजना शुरू, और नीचे मणिकांत मिश्रा नाम रहेगा वही जा रहा है सब जगह, मेरा ही भेजा हुआ मैसेज मुझे ही वापस मिल गया, मैंने बनाया, मैं उसके वर्ड्स को सेलेक्ट किया, नीचे मेरा ही नाम था, एक फूल भी लगाया था। कुछ लोग जो ज्यादा बुद्धिमान थे वो फूल और नाम तो हटा दिए, अभी मुझे ही भेज दिया होली की हार्दिक शुभकामनाएं मणिकांत मिश्रा। ये हम मैक्सिमम लोग यही करते हैं, इन सब चीजों से ग्रुप में कुछ ऐसा शेयर करने से पहले हम सोचें कि हम क्या भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं। फोन आते हैं आजकल बहुत, कितने 48,000 करोड़ रुपए का एक साल में साइबर फ्रॉड है, 48,000 करोड़ उत्तराखंड का बजट है, इतना फ्रॉड रोज होता है, भर गए हैं पुलिस के थाने मुकदमे लिखते लिखते, ये अवेयर करा रहे हैं, हम लोग इतना लेक्चर दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, मैं भी इतनी देर से बोल रहा हूं, ये लोग 1 घंटे से बता रहे हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्ञान लिया खुद ही में बैठ गए, ये अपने घर वालों को भी देना है, उनको भी बताना है। फोन आता है, आज ही फोन आया मुझे, किसके लिए? पपी के लिए, एक कुत्ते के बच्चे के लिए, कुत्ते के एक बच्चे के लिए एक महिला ने 64 लाख रुपए इन साइबर फ्रॉड को दे दिया, वो गिरफ्तार हुआ, बैंगलोर से गिरफ्तार किया गया, 20 लाख का इंश्योरेंस है और 2,70,00,000 उस इंश्योरेंस को पाने के लिए दे देते। अब आप सोचो उनका दिमाग क्या चल रहा है, हमारे घर वालों को, बूढ़े लोगों को, ना समझ लोगों को, शरीफ लोगों को वो ऐसा हिप्नोटाइज करते हैं फोन पर कि वो पैसे ले लेते हैं। मोदी जी ने अभी, प्रधानमंत्री महोदय ने एक अभी स्टेटमेंट दिया कि डिजिटल अरेस्ट, सबको पता है डिजिटल अरेस्ट का, आपने नहीं बताया लोग, अच्छा मैं तो जनरल टॉपिक फिर आएंगे, एक डिजिटल अरेस्ट हो रखा है, कौन बच्चा अवेयर है इसमें डिजिटल अरेस्ट में बताइए, कोई भी एक बच्चा अरेस्ट हो, बड़ा छोटा सा चीज है, मैं अभी बताता हूं आपको, कोई है जो थोड़ा मोड़ा भी जानता हो बताइए,
आप लोग जानते हैं डिजिटल अरेस्ट? नहीं जानते? जानते, अच्छी बात। वो जो स्कैमर हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो फोन करते हैं कि आपने कोई पार्सल बनाया था, वो पार्सल हमने देख लिया है, उसमें कुछ सामान संदिग्ध है, नशे का कुछ सामान रखा हुआ है, और बढ़िया आपसे बात करेगा, कहेगा कि आप स्काइप पर या वीडियो कॉल पर आइए या फेसबुक पर वीडियो कॉल में आइए। फिर आप फेसबुक या वीडियो पर तुरंत पुलिस का फोन सुनते ही आदमी डर जाता है कि अरे मैंने क्या गलती कर दी। वो फेसबुक पर आता है, एक वर्दी यूनिफॉर्म पहने हुए, कहीं मुंबई का, कहीं कुछ का, पीछे लोगो लगा हुआ, कहीं केरला का, वो एक महिला या एक पुरुष आ जाए और बताएगा कि अब आप इसको काटिएगा मत, ये फोन, ये जो हम फेसबुक में बात कर रहे हैं या स्काइप में बात कर रहे हैं, इसको काटना नहीं है, नहीं पुलिस तुरंत तुम्हारे घर पहुंचेगी, तुम्हें गिरफ्तार करेगी, तुम्हें जेल में डाल देगी, 10 साल की सजा होगी। अब इतना कोई बोलता है, पुलिस की वर्दी पहने हुए है, तो आप थोड़ी मानेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। उस सामने वाला आदमी सीधा है, उसका पहली बार पाला पड़ा है, तो वो डर जाता है, या वो महिला है तो डर जाती है। फिर वो जैसे जैसे वो बोलती है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, देखिए ये सब सीज होगा, सारा अकाउंट सीज होगा, और आपने ये गलत काम किया, आपका पार्सल आया आपके नाम से, आपने लिखा, इतना डर जाता है। फिर वो कहती है, देखिए इसको सेटल करना पड़ेगा, और आप ये अकाउंट नंबर में दे रही हूँ, इसमें आप 50,000 रुपये डाल दीजिए। आप तुरंत 50 डालते हैं, बस उसके ट्रैप में आ गया। अब आपने 50 डाला, कहीं कमरा बंद करिए, कहीं आपको नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, आप कमरा बंद करिए। फिर जितने आपके अकाउंट में हैं पैसे, वो तो चले गए। फिर उसके बाद वो स्कैमर ये कहता है कि दूसरे को बोलो वो पैसा डाले, इतने पर नहीं होगा, ये फीस है, ये फीस है, कर कुरा के 1.5-2 लाख रुपए जितना आप दे सकते हैं, जब तक दे सकते हैं तब तक आप देते रहे। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका आपको फोन करें, सपोज मुझे फोन किया कि आपके बेटा यहाँ थाने में बंद हो गया है, हम इस थाने से बोल रहे हैं, तो घबरा जाएगा माँ बाप, घबरा जाएगा, मेरा बेटा थाने में बंद हो गया, क्या गलती हुई? तो बताएगा कि ये गलती हुई है, और देखिए मैटर सेटल हो सकता है, आप इसकी एक चार्जेस हैं जो इसके फाइन है वो जमा कर दीजिए, एडवोकेट की फीस है वो जमा कर दीजिए, तो तुरंत इसको हम रिलीज कर देंगे। अब आप ये नहीं सोचते कि बेटा मेरा कोचिंग में गया है, मैं कोचिंग वाले से पूछ लूं कि मेरा बेटा वहां है कि नहीं है, मैं उसी को फोन लगा लूं कि तू कहां पर है, वो कह देता फोन वोन उसका जब्त हो चुका है, फोन पर बात नहीं हो पाएगी आपसे। लोगों के दिमाग में ये भी नहीं आता कि भाई फोन तो करके एक बार चेक कर ले, अब वो तो डर जाते हैं और फिर वो शुरू हो जाता है। कई ऐसे तरीके हैं जो डिजिटल अरेस्ट माना गया है, मतलब कि खाली फोन पर ही सोशल साइट्स के माध्यम से आपको आपके कमरे में अरेस्ट कर लिया, जहां आप हैं वहां अरेस्ट कर लिया कि अब आप किसी से कुछ बात नहीं करेंगे, अब आप अरेस्ट समझिए अपने आप को, हम किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम कहीं बाहर जा नहीं रहे, तो अरेस्टेड हो गए, ये डिजिटल अरेस्ट। इस तरह के फोन हमारे भी घर में बहुत आते हैं, सबके घर में। अभी इसके अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन पूरे भारत में, जैसे जमतारा है जिस पर एक वेब सीरीज भी बनी है, हरियाणा में एक दो प्लेस हो गए, राजस्थान में मेवात हो गया, और अब उत्तराखंड में भी एक दो प्लेस बन गए हैं जो ये फर्जी कॉल करते हैं और इस तरह के काम करते हैं डिजिटल अरेस्ट। प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं इसको मन की बात में और कई और जगहों पर इसको बोला कि डिजिटल अरेस्ट, पुलिस कोई कभी ऐसा काम नहीं करती जो फोन करके आपको अरेस्ट करे, कभी नहीं। आप खुद भी समझिए इसको, अपने घर वालों को भी समझाइए कि ऐसा नहीं होता। कोई फ्रॉड फोन आता है कि आपके अकाउंट में आपका एटीएम ब्लॉक किया जा रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया, कोई बहस नहीं करना, ब्लॉक कर दीजिए, हमको खुद अवेयर रहना है। जरूरी नहीं है कोई बाहर से समझाए, कोई बाहर से बताए, तब हमको ये काम कर, खुद ही ब्लॉक कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं। एक अभी सज्जन आए थे 3-4 दिन पहले मेरे ऑफिस में, वो आए कह रहे हैं कलकत्ता से मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है। अरे मैंने कहा कलकत्ता से? कह रहे हाँ। तुम्हें कैसे पता? कह रहे वो बंगाली में बोल रहा है। मैंने कहा तुमने कैसे पता लगाया कि कलकत्ता से आ रही है?
कह रहे वो कह रहा है कि कलकत्ता से आ रही है। फिर क्या किया तुमने? तुम बोला 10 बार फोन किया उसने। मैंने कहा 10 बार तुमने उठाया? कह रहा हाँ। मैंने कहा तुम फोन ले आओ, आज के बाद से उसका फोन नहीं आएगा तुम्हें। मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। कह रहे भाई ये नंबर आपने ब्लॉक कर दिया? मैंने कहा हाँ कर दिया। भाई जब फोन से ही धमकी आनी है तो नहीं आएगी ना, समस्या का समाधान हो गया। कह रहा वो दूसरे फोन से करेगा? मैंने कहा उसको भी ब्लॉक कर देना। कह रहा वो तो नंबर बदल के करता रहेगा? मैंने कहा उसको भी कर दो। तो बोला कि फिर ये तो नंबर बदल बदल के करते रहेंगे। मैंने कहा अगर धमकी तू दे रहा है तो वो दे रहा है। अब जब समस्या हम ही है, ऐसे फ्रॉड को इंटरटेन हमें ही करना है, तो फिर वो फ्रॉड तो होगा ही होगा। अगर कोई हमें धमकी दे रहा है फोन पर, ऐसे पुलिस के पास बहुत लोग आते हैं, अननोन नंबर आ गया, हम ही फोन करते हैं, मुझे ही कोई कॉल आ जाती है, अब हम उसे इंटरटेन करने लगे, हमने देख लिया हमसे इसका मतलब नहीं है, किसी और को फोन लगाया होगा, मेरे पास आ गया, खत्म कर देना है बात, नहीं करना भी, रॉन्ग नंबर, खत्म हो गया। अब तुमने गलत नंबर क्यों लगाया, मैं तुझे देख लूंगा, तुम कहां रहते हो बताओ, अरे क्या जरूरत है ये सब करने की? भाई आपको समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है, स्कैमर है, ये हमें परेशान करने के लिए, हमसे पैसे छीनने के लिए फोन कर रहा, ब्लॉक करवा दो। वो आगे का प्रोसेस दूसरा होगा, उसको ब्लॉक करिए, काम वहीं से खत्म, वो फिर नहीं करेगा, वो किसी दूसरे टारगेट को करेगा। अभी यहां उधम सिंह नगर पुलिस मेरे आने से पहले कुछ पकड़ के ले आए थे ये लोग, एक दिन में 1,000 लोगों को फोन करते हैं और उसमें से 2-3 लोग फंस जाते हैं। वो 2-3 लोग अपने हजारों लाखों रुपए गंवा देते हैं जो मेहनत की कमाई रहती है। इसीलिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े नेताओं के द्वारा जो पूरे भारत को देखते हैं, उन लोगों के द्वारा बार बार इस चीज को बताया जा रहा है कि जो साइबर फ्रॉड है उससे बचने के लिए हम लोगों को खुद को अवेयर करना है, अपने भी होना है, दूसरों को भी बताना है। उसी क्रम में आज ट्रैफिक और पुलिस से संबंधित और जानकारियों के साथ साइबर से रिलेटेड चीजें भी आप लोगों को बताने का प्रयास किया। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको जो सोशल साइट्स हैं उसके बारे में भी बताया। मेरा आप सभी बच्चों से ये आग्रह रहेगा, कितने लोग कर पाते हैं, अगली फिर मीटिंग में मैं पूछूंगा, हाथ खड़ा कराऊंगा कि किन्होंने अपने फेसबुक और इंस्टा को बंद कर दिया। आप बंद करेंगे कि नहीं बंद करेंगे? कोई बोल नहीं रहा है वहां से। कौन कौन फेसबुक और इंस्टा को बंद करेगा, अपना हाथ उठा देगा। अच्छा, कौन कौन फेसबुक और इंस्टा को बंद नहीं करेगा, वो हाथ उठा देगा। अरे तो दोनों में रह गए भाई, कुछ तो ऐसे रह गए जो दोनों में रह गए, उनको नहीं है। आपसे बहुत बातें की, बहुत अच्छा रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को उनके भविष्य के बारे में समझाना, बातें करना उनसे। हमें अपना भविष्य बनाने के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं जो आज हम सामान्य रूप से उपभोग करना चाहते हैं उनको छोड़ना होगा। काफी देर से आप लोगों से बातें पुलिस की और कर्मचारी और अधिकारी करते रहे, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए इस विद्यालय के प्राध्यापक और अध्यापक महोदय का बहुत धन्यवाद। मेरे सभी पुलिसकर्मी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ रखा जिसमें बच्चों से हमारी वार्ता हुई, उन सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। मैं अनुरोध करूंगा पांडे सर से, जो यहाँ एनसीसी के इंचार्ज हैं, वो एसपीसीबी सर को सारे पुलिस अधीक्षक सुश्री यहाँ पर सम्मान